और अपने आप में ये दिन ऐतिहासिक, आपने इस तरह से हाईवे पर कभी प्लेन को चलते उड़ते हुए नहीं देखा होगा। गाड़ियां अक्सर रफ्तार से फराटे भरती हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में तैयार है दो एयर स्ट्रिप, बंगाल जम्मू कश्मीर में एक एक एयर स्ट्रिप तैयार है। नेशनल हाईवे पर देखिए किस तरह से फाइटर एयर स्ट्रिप तैयार किए गए हैं इमरजेंसी के लिए। यहां पर लैंडिंग की जा सकती है, यहां से टेक ऑफ किया जा सकता है कभी भी ऐसी आपात स्थिति अगर होती है तो। और यहां पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गवाह है भारत किस तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपने आप को तैयार कर रहा है किसी भी परिस्थिति के लिए। यहां पर नितिन गडकरी मौजूद हैं। नितिन गडकरी ने जो सड़कों का, हाईवे का जाल बिछाया है पूरे भारत में, वो वाकई काबिले तारीफ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर वो गर्व, वो भाव आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस गर्व के साथ आज वो बैठे हैं वो बता रहे हैं कि जी हाँ, हमारी जो वायुसेना है वो और मजबूत हो रही है, हमारी वायुसेना को और ताकत और मजबूती देता हुआ ये नया हाईवे जहां पर ये स्ट्रिप बनाया गया है बाड़मेर में, ये वाकई काबिले तारीफ है। और ये जो आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर टेक ऑफ और लैंडिंग की यहाँ सुविधा अब हो गई है, अब किसी भी आपात स्थिति, जैसा कि हमारे संवाददाता मंजीत नेगी बता रहे थे कि इसके बेहद पास पाकिस्तानी सीमा है, ऐसे में ये एयर स्ट्रिप कई मायनों में और ऐतिहासिक हो जाता है। बाड़मेर हाईवे पर यह बना हुआ है और वायुसेना का ये रनवे कई मायनों में काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण, और इसलिए अर्पिता आज का दिन, आज का समय जो है वो काफी ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है, हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। और यहाँ पर गर्व से हम सभी बैठकर ये देख पा रहे हैं कि देखिए किस तरह से मजबूती हमारे वायुसेना को मिली है। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत, अगर ये आपसे संभव हो तो जरा हमें ये एयर स्ट्रिप दिखाए, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं उस एयर स्ट्रिप को जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है, टेक ऑफ हो सकता है, और वो एयर स्ट्रिप जो वाकई हमारी वायुसेना को मजबूती दे रहा है। बोलना मंजीत, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान सरहद से लगने वाली सरहद पर ये करीब तीन आपको आ रही है आपकी आवाज? हेलो हेलो, सुप्रभात देवी और सज्जन। तो मंजीत, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो एक सवाल फिर रखेंगे, लेकिन इस बीच जरा ये तस्वीरें यहां देखना बहुत महत्वपूर्ण है श्वेता, क्योंकि देखिए ये देश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका इस्तेमाल वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए किया जाएगा। और ये कितना महत्वपूर्ण दिन और ऐतिहासिक लम्हा हमारे लिए, क्योंकि आप भी जैसा मंजीत भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान सीमा से ये लगता हुआ, ऐसे में पाकिस्तान पर भी हमारी नजर रह सकती है, युद्ध जैसे अगर हालात कभी बनते हैं तो उससे निपटने के समय भी ये जो एयर स्ट्रिप है ये बहुत फायदेमंद रहने वाला है। मंजीत हमारे साथ लगातार मौजूद है। मंजीत, तस्वीरें सब देखने के लिए बेताब है, अगर आप दिखा पाए इस ट्रिप की तस्वीरें दिखाएं प्लीज। देखिए, थोड़ी देर बाद अभी जिस तरह से यहाँ पर 730J सुपर हरक्यूलिस विमान उतरा था, और अब इंतजार इस बात का है कि जो वायुसेना का आधुनिक सुखोई लड़ाकू विमान है वो यहाँ पर लैंड करने वाला है। ये पहला मौका है जब इस हाईवे पर, पाकिस्तान सरहद के नजदीक इस हाईवे पर न सिर्फ टच डाउन बल्कि वो लैंड यहाँ पर करेगा। उसके अलावा जगुआर जो आधुनिक जो एक पुराना लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना का, वो भी यहाँ पर लैंड करेगा। तो इस तरह से दो बड़े लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के, सुखोई और जगुआर, यहाँ पर पहली बार इस नेशनल हाईवे पर जालौर जिले में जो मौजूद है पाकिस्तान सरहद के नजदीक वहाँ पर लैंड करेंगे। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख के अलावा जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वो वायुसेना का जो आधुनिक C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उससे यहाँ पर पहुंचे थे।
जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हालांकि वहां पर जिस तरह से हम सुन भी पा रहे थे जामर ऑन है, तो कई तरह की दिक्कतें भी आ रही होंगी। आप सब दिखा नहीं सकते, शूट नहीं कर सकते हैं कुछ एरिया तक। और यहां पर जिस तरह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ नितिन गडकरी जिनका बहुत बड़ा योगदान है, जिस तरह से सड़कों का, हाईवेज का, जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया कि जाल बिछाया है हमारे देश में, और ये पहली बार इस तरह का हाईवे पर जो एयर स्ट्रिप बना है, अपने आप में ये ऐतिहासिक है।